बच्चों आपने पिछले अध्याय में कुछ जैविक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा जैसे पाचन श्वसन परिवहन और उत्सर्जन तो ये जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे एक नियंत्रित ढंग से संचालित होती हैं हमारे शरीर में और भी ऐसी प्रक्रियाएं शरीर में चलती रहती हैं तो उसके बारे में हम लोग इस आ, कक्षा दसवीं के अध्याय आठ लाइफ प्रोसेसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे मतलब अभी हम कुछ और जैविक प्रक्रियाओं के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन करेंगे जो हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो आप जानते हैं कि कुछ प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में हम विचार करते हैं जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना निगलते समय हमारी सांस जो है कुछ पल के लिए रुक जाती है या ये कहें कि अमाशय में आप जानते हो भोजन का पाचन होता है या और भी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्योडेनम में पाचन हो की प्रक्रिया होती है तो पाचन के लिए जो विभिन्न जो स्राव हैं या उनका अवशोषण है वो वो प्रक्रिया कैसे होती है या कह लें कि कभी कभी हमारी आँखों के सामने यदि कोई आ, कोई वस्तु अचानक से हमारी आँखों के नज़दीक आ जाती है तो हमारी पलकें बंद हो जाती हैं या हम पौधों में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के समय पौधे के जो रंध्र हैं वो खुले रहते हैं या आपने एक पौधे का नाम जानते होंगे छुई मुई यानी उसका हम इंग्लिश में उसको कहते हैं मी नॉट तो मी नॉट से आप समझ रहे हैं कि मुझे मत छुओ तो लेकिन आप उसको छूते हैं तो उसके आपके छूने से ही वो उसकी पत्तियां जो हैं वो बंद हो जाती हैं तो ये सब प्रक्रियाएं जो हैं किस तरीके से संचालित होती हैं कैसे मैनर वे में ढंग से ये सुचारू रूप से ढंग से चलती रहती हैं तो देखा जाए तो हमारे शरीर में ऐसे तंत्रिका तंत्र है यानी तंत्रिकाएं हैं तंत्रिकाओं से बना हुआ एक तंत्र है सुविकसित जो ह्यूमन बींग में पाया जाता है और कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जिनके जरिए ये जो प्रक्रियाएं हैं वो संचालित होती रहती हैं तो एक प्रक्रिया के स्वतः चलते रहने आ, की यदि बात करें यानी जैसे पाचन या अवशोषण की क्रिया हो रही हो या फिर एक क्रिया के चलते हुए दूसरी प्रक्रिया का रुक जाना तो ये सूचनाओं का आवागमन होता रहता है तो ये सूचनाओं का आवागमन किस तरीके से होता है तो उसके लिए दो व्यवस्थाएं हैं हमारे शरीर में एक है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है रासायनिक पदार्थ तो इन दोनों का अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे तो इससे पहले हम मनुष्य में जो ये सूचनाओं का आवागमन होता है या संचार व्यवस्था कैसी हो रही है उसको समझने से पहले एक क्रियाकलाप करते हैं तो ये क्रियाकलाप आप आप और एक आपके साथी मिलकर करेंगे उसकी जो भी विवरण है वो बुक में दिया हुआ है किस तरीके से उसको करना है तो उसको हम करेंगे बच्चों जब हम शाम के समय में गाड़ी से जाते हैं और हमारे आँख के सामने अचानक से कुछ आ जाता है तो हम अपनी पल के बंद कर लेते हैं ऐसा ही कुछ जब हम गर्म चीज़ों को छूते हैं तो हम अपने हाथ को तुरंत हटा लेते हैं इसी प्रकार से अगर हम पैदल चल रहे हो और हमारे पैर में कुछ चुभ जाए तो हम अपने पैरों को भी हटा लेते हैं तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो होती है इनकी सूचना समय समय पर हमारे शरीर के अंगों के द्वारा मिलती है चलो बताओ तो इसमें कौन कौन से अंग शामिल होंगे मेरू रज्जु और मेरु गुड़। वेरी गुड और साथ ही तंत्रिका कोशिका भी इसमें शामिल होते हैं ठीक है तो चलो इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं ओके प्रिया तुम्हें इस लकड़ी को जो मेरे हाथ में है इसका एक ऊपरी सिरे सिरे को पकड़ना है ठीक है और रिया तुम्हें इस अंतिम छोर को पकड़ने की कोशिश करनी है और प्रिया इसे छोड़ने के पहले तुम रिया को बताओगी ठीक है रिया अब मैं काउंटिंग कर रही हूँ जैसे मैं वन बोलेंगे छूट जाएगा तो मैं पकड़ना है ठीक है थ्री टू वन तो रिया तुम इसका अंतिम छोर नहीं पकड़ पाए तुमने लकड़ी बीस से पकड़ी ऐसा क्यों हुआ तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रिया ने सूचना रिया को दी और ये सूचना कानों से होते हुए हमारे तंत्रिका तंत्र से होते हुए मेरु रज्जु से मस्तिष्क में पहुंची। जब तुमने बोला और ये सूचना रिया के कानों तक पहुंची। कानों से ये सूचना मस्तिष्क में गई और इसके प्रति प्रतिक्रिया हाथों के द्वारा व्यक्त हुई इसलिए तब तक ये लकड़ी नीचे आ चुकी थी जिसके कारण तुम इसका अंतिम छोर नहीं पकड़ पाए तो बच्चों आपने जब ये क्रियाकलाप किया तो अब कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं जिसके बारे में चर्चा करना जरूरी है तो जैसे हम पहले एक सवाल पर गौर करते हैं कि क्या आप छड़ी के निचले सिरे को पकड़ पाए आपके दोस्त ने वो छड़ी पकड़ी थी और आपने ऐसे पकड़ा हुआ था कि और छड़ी का निचला सिरा आपके इस हाथ से जा रहा था तो उसने कहा कि छड़ी छोड़ रहा हूँ और आपने उसको पकड़ने की कोशिश की तो निचला सिरा मतलब कि स्केल का या कोई भी छड़ी का निचला सिरा आप पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए तो आपने उसको जितने बार भी कोशिश की होगी आप निचले सिरे को नहीं पकड़ पाए होंगे क्यों नहीं पकड़ पाए होंगे क्योंकि जब तक आप उसके संदेश को सुने कि वो छोड़ रहा है और देखें तो ये दोनों क्रियाओं का तालमेल हो ब्रेन तक बात पहुँचे और फिर आपका वो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करनी है तो जब तक आप पकड़ते हैं तब तक देर हो जाती है तो आप स्केल या छड़ी का निचला सिरा ना होके ऊपर का सिरा पकड़ पाते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन जैसे यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ हो होगा अभी जैसे मैंने बात की जब तक आप उसे सुने और जब तक आप देखें तो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करने में क्या होता है वक्त लगता है इसलिए आप उसको नहीं पकड़ पाए। फिर एक और क्वेश्चन है। आपको कैसे पता चलता है कि छड़ी गिरने वाली थी छड़ी गिरने वाली थी आपको कैसे पता चला तो आपके साथी ने आपको बताया कि छड़ी वो छोड़ रहा है और आपने इसको देखा और प्लस कानों से सुना चलिए एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं इस अंग के अलावा इस प्रक्रिया में शरीर के कौन कौन से अंगों की भूमिका रही होगी तो कौन कौन से और अंग शामिल रहे हैं या छड़ी को पकड़ने में शरीर का कौन सा अंग शामिल था छड़ी को पकड़ने में आपका हाथ हाथ वाला अंग जो है वो शामिल था फिर एक और क्वेश्चन की बात करते हैं इस अंग के अलावा इस प्रक्रिया में शरीर के कौन कौन से अंगों की भूमिका रही होगी तो तीन अंगों की अभी हमने बात कर ली आंख के द्वारा देखना कान के द्वारा सुनना और हाथ के द्वारा उसको पकड़ना तो तीन अंग जो आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनके अलावा मस्तिष्क और मेरु रज्जु ये दो अंग ऐसे हैं जिनकी भूमिका इस कार्य में रही है तो इस क्रियाकलाप के द्वारा हमने यह समझने का प्रयास किया कि कैसे अंगों के बीच जो है वो समन्वय होता है कोई कार्य संपन्न होता है तो जैसे अभी आपने देखा कि एक छोटा सा ही क्रियाकलाप था कि जिसमें दो दोस्तों के बीच जो ये छड़ी वाला कार्य किया जा रहा था एक ने छोड़ा दूसरे ने उसको सुना देखा और पकड़ा तो कैसे वो सुनने का काम वो देखने का काम और फिर पकड़ने का काम और इन तीनों में व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका हो रहा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु का तो इस अध्याय में हम मुख्य रूप से इसी तंत्रिका तंत्र को ही पढ़ेंगे और रसायनों के द्वारा भी समन्वय होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे तो अभी जो है हम तंत्रिका तंत्र में शामिल होने वाले तंत्रिकाएं हैं मेरुरज्जु है और मुख्य रूप से मस्तिष्क है इन तीनों की ही बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो बच्चों सूचनाओं के संचार से संबंधित अंगों के बारे में हमें कैसे पता चला इसके इतिहास के बारे में हम जानते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करें कि तंत्रिका तंत्र में जो शामिल तंत्रिकाएं हैं मेरुरज्जु है मस्तिष्क है उसके बारे में अध्ययन जो है हजारों सालों पहले से ही चल रहा है हमारे देश के ही सुश्रुत आप जान नाम सुना होगा सुश्रुत जो महान चिकित्सक थे इन्होंने तीन हजार साल पहले ही मस्तिष्क और उससे संबंधित जो प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं हो रही थी उनका अध्ययन कर रहे थे उन्होंने ही बताया कि आ, सबसे पहले जो है हमारे शरीर का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क के द्वारा होता है यानी ब्रेन के द्वारा होता है मतलब मस्तिष्क में या जो कोई पेन होता है दर्द निवारण या संवेदी अंगों आ, से संबंधित जो भी इलाज था वो सुश्रुत जो है वो अपने तरीके से करते थे आज भी हमें है, जानते हैं कि आयुर्वेद में जो है सुश्रुत के बताए तरीकों से ही संवेदी अंगों या उनसे संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो सुश्रुद्ध के बताए तरीकों से ही की जाती है जिससे मरीजों को है बहुत लाभ मिलता है तो तब तक ये माना गया था कि उस समय मस्तिष्क जो है वो मुख्य रूप से शरीर का नियंत्रण करता है फिर आगे और देखते हैं कि सुश्रुत के लगभग 500 साल बाद ग्रीस के चिकित्सक ने भी संवेदनाओं के आवागमन में मस्तिष्क के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिकाओं का भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका माना मतलब किन सूचनाओं के आवागमन में या संवेदी अंगों से संबंधित जो भी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं इसमें मस्तिष्क के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका जो तंत्रिकाएं हैं यानी न्यूरॉन्स हैं इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है फिर आगे देखें तो मस्तिष्क से निकलने वाली ये संवेदनाएं जो हैं मतलब जो तंत्रिकाएं हैं ये तंत्रिकाएं कहाँ से निकल रही हैं मस्तिष्क से निकल रही हैं और ये ऐसी संरचना है जो शरीर को गति प्रदान करती है वो गति कैसे प्रदान करती है जैसे अभी मैं हाथ हिला रही हूँ या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो जो सुनते हैं या समझते हैं उसका जो मैसेज ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन से जो भी है वो मैसेज वापस आता है तो वो प्रतिक्रिया करते हैं तो ये शरीर को जो है वो गति प्रदान करती है अब ग्रीस के एक और चिकित्सक की बात करते हैं गैलन जो एक मरीज का इलाज कर रहे थे जिसको जो है गले के पास चोट लगी हुई थी अब उन्होंने देखा कि जो चोट लगी हुई है हाथ की संवेदनाएं तो खत्म हो गई हैं लेकिन हाथ में कार्य करने की क्षमता अभी भी है तो उन्होंने माना कि सूचनाओं के आवागमन में दो मार्ग होते हैं एक मार्ग संवेदनाओं को ले जाने वाला होता है और दूसरा मार्ग जो है वो प्रतिक्रिया के लिए होता है तो इस तरीके से इनका नियंत्रण जो है उन्होंने भी यही माना कि मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं शामिल रहती हैं जो ये पूरी व्यवस्था को देखते हैं अब सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में भी यही देखा गया था कि मस्तिष्क मेरुरज्जु मतलब मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु भी है वो वो भी इम्पोर्टेंट है मतलब उसका कार्य भी महत्वपूर्ण है मस्तिष्क के ना होने पर भी शरीर में शरीर की मांसपेशियों में गतिशीलता देखी गई थी इसका मतलब है कि अगर मस्तिष्क डेड हो गया तो बाकी जो मसल्स का जो संवेदनाएं को लेने ले जाने का काम वो मेरुरज्जु देख रहा था यानी ये कुछ समय के लिए ही बात होती है कि कुछ समय तक ही वो गतिशीलता देखी जाती है अब हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी आपने नाइन्थ में पढ़ी है जिसको श्लीनन एंड श्वान ने बतलाया था सेल थ्योरी को ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो सेल थ्योरी के वैज्ञानिक एक जो श्वान है और गोल्जी बॉडी का आविष्कार करने वाले या उसकी खोज करने वाले कैमिलो गोल्जी है ये दोनों वैज्ञानिक जो है तंत्रिका कोशिकाओं पर अध्ययन कर रहे थे और तंत्रिका कोशिका में ही सबसे पहले कैमिलोगोलजी को देखा गया था और आपने अब नवी क्लास में उतक पढ़ा है उतक में आपने तंत्रिका आ, तंत्रिका उतक पढ़ा तंत्रिका कोशिकाएं पढ़ा तंत्रिका कोशिका का चित्र भी आपने बनाया है तो वो तंत्रिका कोशिका का अभी हम इस अध्याय में फिर से पूरे अच्छे से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तो ये कैसे जाल नुमा संरचना होती है ये तंत्रिकाएं किस तरीके से इनमें सूचनाओं का आवागमन होता है और इसकी संरचना जो है वो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं कि तंत्रिका सर... कोशिका का संरचना बनाइए उसके कार्यों को लिखिए तो हमने जैसे बात की कि श्वान एंड कैमिलो कैमिलोगोलॉजी ने तंत्रिका कोशिका का अध्ययन कर रहे थे और वैज्ञानिक श्वान ने बताया कि इन तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर वसी परत होती है ये वसी परत जिसको माइलिन भित्ती भी कहते हैं लेकिन दो दशक के बाद तक भी जो है ये विवरण जो है सर्वमान्य नहीं हो पाया था क्योंकि तंत्रिका कोशिका का अध्ययन करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही कठिन कार्य था क्योंकि ये मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं थी एक तरफ मांसपेशियों से जुड़ी रहती थी दूसरी तरफ दूसरी तंत्रिकाओं से जुड़ी रहती थी उनके एग्जॉन्स या डेंड्रॉयड से जुड़ी रहती थी तो इनको अलग करके इनका अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल था अब हम इनके स्ट्रक्चर की यानी संरचना की बात करते हैं तो संरचना भी इसकी स्पष्ट इस तब हो पाई या उसका विवरण जो है इसका अध्ययन तभी अच्छे से हो पाया जब सूक्ष्मदर्शी का अच्छे से विकास हो गया यानी जो अच्छे सूक्ष्मदर्शी थे जिनका मैग्नीफाइंग लेंस काफ़ी ज़्यादा था उसके द्वारा ही फिर इनका अध्ययन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो पाया तो 1910 में इसका स्पष्ट इस अवलोकन कर पाए और ये तंत्रिकाएं जो है बहुत विविध प्रकार की होती हैं और तब देखा गया कि मनुष्य के मस्तिष्क में लगभग एक अरब ये तंत्रिकाएं या न्यूरॉन्स होते हैं या तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और मुख्य बात हम इसकी करें कि ये तंत्रिका कोशिकाएं जो है इनमें विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम आप जानते हैं कोशिका में सेंट्रोसोम होता है और उसमें सेंट्रियोल्स होते हैं सेंट्रियोल्स जो हैं स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम करते हैं जो कि सेल डिवीजन का एक मुख्य कार्य होता है तो चूंकि इसमें ये नहीं होता है जिसके कारण इनमें ये से, न्यूरॉन सेल जो है डिवाइड नहीं होती हैं और दूसरी बात स्टेम सेल से इसको प्राप्त किया जा सकता है दिन ब दिन जो है ये संख्या में कम होती जाती हैं लेकिन हम इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है या बहुत बीमारी की ऐसी अवस्था है तब कहीं स्टेम सेल से इसको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है तो यदि हम इसकी संरचना को देखें तो आप ये संरचना तीन हिस्से दिखाई दे रहे हैं ऊपर में आपको आ, सेल बॉडी दिखाई दे रही है फिर इसका दूसरा भाग डेंड्रॉइड है और तीसरा जो है एक्सॉन है आपको ये एक वृक्ष के समान दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर आप देख रहे हो शाखाएं हैं है? एक ट्रंक यानी बीच का स्टेम वाला हिस्सा दिख रहा है नीचे आपको जड़ के समान इसके टर्मिनेट या उसके सूक्ष्म तंतु रहते हैं वो दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए एक वृक्ष के समान इसकी संरचना होती है तो तीन मुख्य भागों में आप ऊपर वाला हिस्सा जो देख रहे हो ये सेल बॉडी है सेल बॉडी में आप देख रहे हो कि इसमें न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अलावा आप देख रहे हो और भी इसके जो कोशिका के और भी कोशिकांग होते हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें निसल ग्रेन्यूल भी आपको दिखाई दे रहा है तो ये सेल बॉडी है सेल बॉडी से आप देख रहे हो छोटी छोटी शाखाओं के रूप में कुछ संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसको डेंड्रॉइड कहते हैं ये ब्रांच लाइक ट्री कहते हैं इसको तो ये डेंड्रॉइड जो है दूसरी तंत्रिका से ये कनेक्टेड होते हैं फिर अब एक और लंबी और संरचना देख रहे हो ये कोई भी एक डेंड्रॉइड जो है यानी उसका कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य जो है वो एक्सटेंडेड हो जाता है मतलब वो विस्तारित हो जाता है और एक एग्जॉन का रूप ले लेता है तो आप ये एग्जॉन देख रहे हो इस एग्जॉन में आप छोटे छोटे और भी ऐसे ब्लॉक्स देख रहे हो यानी ये माइलिन भित्ती है माइलिन भित्ती जिसको वैज्ञानिक श्वान ने इसकी खोज की थी जिसको वसी परत कहा था और इसको माइलिन भित्ती कहा तो अब चूंकि इसका इसकी खोज जो है श्वान ने की थी इसलिए इसको श्वान सेल भी कहते हैं आप जैसे देख रहे हो श्वान सेल भी लिखा हुआ है अब देख रहे हो आपके दोनों दो श्वान सेल के बीच में कुछ स्थान रिक्त रह जाता है या स्पेस है वहां पर तो उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं तो ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन सेल का ये आपको परीक्षा में अक्सर आता ही है या इसके कार्य की भी बात करेंगे आगे तो स्ट्रक्चर के साथ कार्य भी पूछता है तो ये मुख्य बातें आप इसमें प्रेजेंट करेंगे अब हम देखें कि इसकी विशेषता एक और जो है जिसको हमने बात की कि एग्जॉन जो है वो आगे एक्सटेंडेड हो जाता है माइलिन शीत इसमें पाई जाती है और माइलिन शीत कुछ ऐसी भी तंत्रिकाएं होती हैं जिसमें माइलिन शीत नहीं भी पाई जाती है तो यदि माइलिन शीत है तो जो ये माइलिन शीत जो है ये इसकी सुरक्षा का काम करती है ऐसे ही हमने देखा था कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये भी बहुत ही कोमल अंग होते हैं इनकी भी सुरक्षा ज़रूरी रहती है तो इन इनकी सुरक्षा के लिए जैसे मस्तिष्क की, की बात करें तो ये मस्तिष्क कहाँ रहेगा खोपड़ी के चारों ओर यानी स्कल जो हड्डियों का बना होता है उसके अंदर में वो मस्तिष्क जो है सुरक्षित रहता है अगर मेरु रज्जु की बात करते हैं तो मेरुरज्जू जो है वो कहाँ पर है रीढ़ की हड्डी के बीच से वो गुजरती है तो वो रीढ़ की हड्डी में वो सुरक्षित रहता है अभी हम तंत्रिका कोशिकाओं की बात कर रहे हैं तो ये भी क्या है एक वसी परत के अंदर में ये सुरक्षित रहती है या उनसे ऐसे लिपटी रहती हैं तो ये सुरक्षा का काम करती हैं उसको सहारा देती हैं और मुख्य बात जो है ये सूचनाओं के आवागमन में जो है वो गति प्रदान करती है यानी इसके मौजूदगी में आ, जो गति है वो तेज़ हो जाती है और यदि अन शीट है या नॉन माइलेटेड शीट है यानी जिसमें ये वसी परत नहीं है तो उसमें जो है वो आवागमन जो है वो जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है तो अभी हम एग्जॉन की बात कर रहे हैं एग्जॉन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ एग्जॉन इतने लंबे होते हैं कि वो मस्तिष्क से स्टार्ट होकर आपके पैरों की उंगलियों तक यानी अंतिम छोर तक उनकी लंबाई रहती है तो आ, आप ये समझ सकते हैं कि कुछ एग्जोन की लंबाई आपकी शरीर की लंबाई के बराबर होती है अब हम बात करते हैं कि ये तंत्रिकाएं जो हैं किस तरीके से सूचनाओं को संवेदी अंग से लेकर ब्रेन तक कैसे पहुंचाती हैं तो इनमें क्या सिस्टम होता है तो दरअसल देखा जाए तो दो तंत्रिकाओं के बीच में एक ऐसी व्यवस्था होती है या कहना चाहिए वो आपस में जुड़ी होती हैं जिसको साइनेप्स कहते हैं पर भाषा भी नहीं जाइएगा साइनेप्स का मतलब होता है जुड़ा हुआ लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि दो तंत्रिकाएं चाहे वो दो तंत्रिकाएं हों आपस में जुड़ी हुई या तंत्रिका जो है पेशियों तक से जुड़ी हो कोई भी हालत हो इन दोनों के बीच जो है कुछ गैप होता है या अंतराल होता है उसी को साइनेप्स कहते हैं तो अब आप ये जैसे पिक्चर में देख रहे हो कि ये साइनेप्स के जरिए जो है कुछ रसायनों के द्वारा या विद्युत संकेतों के द्वारा सूचनाएं एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाती है तो जहां संवेदी अंग से ये स्टार्ट होती है सूचनाएं या कोई उद्दीपन महसूस किया जाता है त्वचा के द्वारा संवेदी अंगों के द्वारा तो वो हम वहाँ की तंत्रिकाएं है जो हैं या हम संवेदी तंत्रिकाएं हम उसको कहते हैं जो संवेदनाओं को ले जाती है तो वो कैसे एक तंत्रिका दूसरे को मैसेज देती है तो वो कैसे मैसेज जा रहा है रसायनों के द्वारा जा रहा है आगे की क्लास में जब आप एलेवंथ में बायो लेंगे तब आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से रसायन हैं जिसके द्वारा ये जो है मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है या सूचनाओं का ट्रांसफ़र होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है या तो रसायनों के द्वारा होता है या विद्युत संकेतों के द्वारा होता है या इलेक्ट्रो सिग्नल के द्वारा होता है तो इनके जरिए जो है वो सूचनाएं जो है एक से दूसरी दूसरे से तीसरी करके वो अंतिम लक्ष्य तक या तो वो ब्रेन तक पहुंचती है या मेरुरज्जु तक पहुंचती है और फिर वापस मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा वापस वो मैसेज भी आता है या कैसे जो भी प्रतिक्रिया करनी है वो मैसेज आता है अब हम बात करते हैं कि संवेदी अंगों की जो संवेदी अंग संवेदनाएं को ले जाने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो संवेदी अंग कौन से हैं तो कुछ प्रक्रिया की बात कर लेते हैं जैसे हम ताप है ताप यानी हम गर्मी ठंडी का एहसास होता है हमें गर्मी में बहुत गर्मी लगती है ठंड में बहुत ठंड लगती है तो ये ताप का हम अनुभव करते हैं ध्वनि का या कोई आवाज़ को हम सुनते हैं कम है ज़्यादा है बहुत शोर हो रहा है या कैसा है तो ये ध्वनि है स्वाद हम खट्टे मीठे चटपटे स्वाद हम जानते हैं हमारे जीभ में टेस्टबर्ड्स होती हैं जिनके जरिए हम बहुत तरह के स्वाद लेते हैं ऐसे ही प्रकाश जो हमारी आंखें जो है प्रकाश के जरिए ही बहुत सारी मतलब सारी वस्तुओं को जो देखने का यानी संसार को देखने का काम जो है आंखें जो है कोई ना कोई प्रकाश के जरिए ही करती है तो प्रकाश के जरिए ही संसार को देखा जाता है ऐसे ही दाब की बात करते हैं या गंध की बात करते हैं गंध आप जानते हो नाक के द्वारा स्मेल जो भी सुगंध या गंध ली जाती है तो ये सारे जो प्रक्रियाएं हैं ये इन संवेदनाओं से संबंधित संवेदी अंग हैं संवेदी अंग आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा हुआ है त्वचा है हमारी आँख है नाक है कान है और जीभ है तो ये पांचों जो संवेदी अंग हैं इनके अलावा हमारी मांसपेशियों के हमारे शरीर के अंदर में जो मांसपेशियाँ हैं वो भी संवेदनाओं को ग्रहण करती है तो इस तरह से संवेदी अंग जो है ये संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं संवेदी तंत्रिकाएं इन एहसास को ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन से फिर ये वापस आती है तो अब यहाँ पर ये कैसी व्यवस्था होती है तो संवेदी कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये एग्ज़ान के अंतिम छोर पर होते हैं संवेदी कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं अंतिम छोर होते हैं एग्जाम या तो उनके डेंड्राइड से मतलब हमने बात की थी कि एक तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका कोशिका से कैसे जुड़ा रहेगा तो एक तंत्रिका कोशिका दूसरे से डेंड्रॉयड से जुड़ जा रही है या हो सकता है उसके एग्जॉन से जुड़ जाए तो वो दोनों कंडीशन हो सकती है तो या तो डेंड्रॉयड से जुड़ती है और या फिर सीधे स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क से भी वो जुड़ सकते हैं उनसे उनका साइनेप्स हो सकता है तो कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जैसे आंखों के पर्दे के लिए प्रकाश समेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ऑप्टिक नर्व होती है तो ये तंत्रिका कोशिकाएं के जो डेंड्राइट से इनका साइनेप्स होता है जिसके एग्जोन का गुच्छा जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है आप ये पिक्चर में भी जैसे देख रहे हो बुक में दिया हुआ है तो इन तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्राइट से साइनेप्स होता है और उनके एग्जॉन का गुच्छा उनके एग्जॉन का गुच्छा कहाँ से रिलेटेड है मस्तिष्क से रिलेटेड इसी तरह से यदि हम नाक के जो गंध के जो संवेदी संरचनाएं हैं ये मस्तिष्क से चलकर आती हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं चलकर आती हैं और संवेदी अंग तक पहुंचने वाले वो उनके एग्जॉन होते हैं या एग्जॉन के अंतिम सिरे होते हैं तो इस तरीके से ये कनेक्शन होता है संवेदी अंगों तक पहुंचने का अब जब हम स्वाद की बात करते हैं तो स्वाद का भी संबंध गंध से होता है तो जब हम कोई स्वादिष्ट खाना खाते हैं उससे पहले हमें उसकी गंध आ जाती है तो वो और भी स्वादिष्ट लगने लगता है इससे संबंधित एक क्रियाकलाप करके भी देखते हैं जैसे अभी हम सौफ खा के देखते हैं तो सौफ खाने में जो हमें एहसास होता है या उसके स्वाद का पता चलता है और यदि हम उसको हमने फिर से मुँह धो लिया फिर से सौंप खाया और नाक को हमने बंद कर दिया मतलब उसमें गंद का एहसास हमें नहीं आना चाहिए तो इस तरीके से जब हम खाते हैं तो दोनों के खाने में क्या अंतर आता है ये आप क्रियाकलाप करके देखेंगे और आया भी अंतर तो क्यों आया तो निश्चित सी बात है कि जब हम स्वादिष्ट मतलब कोई भोजन हमें स्वादिष्ट तब लगता है जब हम उसकी गंध लेते हैं सूंघने से और भी ज़्यादा उसका स्वाद बढ़ जाता है तो ये क्रियाकलाप करके देखेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि खाने के साथ साथ उसकी गंध भी हमें लेना ज़रूरी हो जाता है उसके बहुत अच्छे स्वाद के लिए या स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेने के लिए आनंद लेने के लिए क्रियाकलाप दो आप थोड़ी सी सौंफ खाइए अब मुंह धोकर अपनी नाक बंद करके फिर से सौंफ खाइए क्या दोनों स्थितियों में स्वाद एक जैसा है यदि अंतर है तो ऐसा क्यों हुआ होगा